नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में घरेलू जमीन से जुड़े विवाद में सदर एसडीओ रवि आनंद के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल दिलाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के राजकुमार दिनबंधु ने कहा है कि जिला जज के यहाँ विचाराधीन मामला होने के बावजूद अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मिलकर बाउंड्री वॉल दिलाया गया है, जो निंदनीय है और प्रशासनिक आचरण का द्योतक है। वही राजकुमार दिनबंधु ने कहा है कि अपने परिवार के साथ वर्ष 1983 से अब तक शांतिपूर्वक निवास करते आ रहे हैं। इस दौरान राजकुमार ने यह भी कहा कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमारे दबंग पड़ोसी और प्रशासन मिलकर इस प्रकार जबरिया कार्रवाई को अंजाम दिए हैं। बताया कि दूसरे पक्ष के जमीन की कागज के अनुरूप नापी नहीं करके निर्धारित चौहद्दी से बाहर आकर बाउंड्री कराया गया है। वही सदर एसडीओ रवि आनंद ने कहा कि दोनों पक्ष के बीच में विवाद के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती थी, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। क्या है कि हम लोग 1983 से यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। बन्नू साहू जो हमारे बगलगीर हैं, इनके द्वारा 1912 में हम पर 144 किया जाता है झूठा केस। उस केस के माध्यम से ही है हमारे साथ अभी तक 144 लड़ रहे हैं। आज तक इन्होंने हमारे पर किसी भी तरह का और भी कोई केस नहीं किया गया, और जिससे हमने ज़मीन लिया जमींदार परिवार से, उनके द्वारा कोई भी केस हम पर नहीं किया गया है। पर अचानक ऐसे एसडीओ साहब के द्वारा अचानक आज ऐसा आके हमारे ज़मीन पे बाउंड्री कराया जा रहा है, जबकि ऐसा मेरा 144 का जो मामला है रिवीजन के में हम ऐसी जिला कोर्ट में गए हुए हैं रिवीजन में एसडीओ साहब के फैसला के विरुद्ध में, वहाँ भी मेरा मामला चल रहा है। उसके बावजूद एसडीओ साहब अचानक ऐसे पूरा फोर्स के साथ आते हैं और बिना कहे पूछे तो मेरे घर से सटाकर बाउंड्री करना शुरू कर देते हैं। अब हम तो असहाय व्यक्ति हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, प्रशासन के सामने हम कुछ नहीं है। मांग मेरा यही है कि बन्नू साहू का ज़मीन का जो उनके जो पट्टा है उसमें जो चौहद्दी लिखा हुआ है उसके आधार से इनका नापी किया जाए, जबकि इनका उत्तर में पट्टा में लिखा हुआ है कुआँ, जबकि सरकारी अमीन के द्वारा कुआँ की तरफ जा ही नहीं जा रहे हैं नापी करने। केवल जितना में कब्जा में है उसी को ये नापी कर रहे हैं, जबकि ऐसा अभी कुआं मौजूद है वहाँ। और हमने बार बार रिक्वेस्ट भी किया कि आप इनके चौहद्दी के हिसाब से नापी करें। अमीन साहब को भी कहा, एसडीओ साहब को भी हमने कहा, किसी भी तरह का कोई बात को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, जबकि इनका ज़मीन हमको निश्चित रूप से पता है। जो इनका पट्टा में चौहद्दी लिखा हुआ है उत्तर साइड में कुआँ, कुआँ से यदि नापी लिया जाए हमको नहीं लगता कि इनका ज़मीन एक इंच भी घटेगा। विवाद है जो कि मौजा गुमला के खाता नंबर 430 प्लॉट नंबर 696 और 695 से संबंधित। इसमें दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष जो है एक 1.5 डिसमिल के भूखंड को जो है अपने दखल में होने के लिए आपस में विवाद करते रहते हैं। कई बार धारा 144 के तहत कार्रवाई हुई है और कई बार जो है विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना हुई है। पूर्व में भी दखल दिया नहीं है तो कई बार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, परंतु एक पक्ष के द्वारा बार बार विवाद और विरोध प्रदर्शित करते हुए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने हेतु जो है कार्रवाई की गई, जिसके कारण जो है दखल दियानी कार्रवाई नहीं होती। आज हम लोगों ने अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और अंचल के अन्य कर्मियों के साथ जो है पूरे स्थल का निरीक्षण किया। दोनों जो पक्ष हैं उनकी भूमि का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत हम लोगों ने पाया है कि जो विवादित भूमि है उसी के कारण जो है विवाद उत्पन्न हो रहा है और किसी भी शांति भंग होने की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रशासन के द्वारा उस भूखंड को ही जो है घेराबंद किया जा रहा है ताकि उस भूखंड पे दोनों पक्ष में से कोई पक्ष तो ना जा सके। धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी और एक बार पुनः जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग जो है अपनी भूमिका निभाएंगे।